शहरी इलाके में युवक पर चाकू से हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 25 मई की देर रात इन दोनों आरोपियों ने युवक फाजल अख्तर पर आपसी रंजिश के चलते चाकू से हमला किया था। घटना के तुरंत बाद उसे मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया और इसे हमले से फाजल के पीठ के हिस्से पर चाकू फंस गया था, जिसके बाद ऑपरेशन के बाद इसे चाकू को बाहर निकाला गया। वहीं इस पूरी वारदात के बाद से ही युवक पर हमला करने वाले आरोपी गोपाल ओझा कुणाल तांजी फरार बताए जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति फैजल को वाद विवाद करके दो व्यक्तियों ने कुणाल तथा गोपाल ओझा ने चाकू से मारा था और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने लगातार उनके खोजबीन की और दबिश देकर 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक अवरक्षा में लिया जा रहा है और पूरे मामले में धारा 307 के तहत थाना गुढ़ियानी में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो आइए आपको सीधे ले